अस्सलामु अलैकुम मोहतरम व्यूअर्स और तमाम तलबा कराम और तो सुनने वाले तमाम इस्लामी भाई वगैरह, अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास सिक्स की एलसीएम जो है वो उसके हवाले से हम पढ़ेंगे। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम यानी इसमें कम से कम जो कॉमन होता है मल्टीपल, यानी टेबल के हिसाब से जो हम पढ़ते हैं उसमें जो सबसे कॉमन कम आता है एलसीएम वो कहलाता है। अब देखें जैसे एलसीएम निकालने की जो तरकीब है वो ये है, प्राइम नंबर के ज़रिए एक तो इस्तेमाल किए जाते हैं, दूसरा अगर डायरेक्ट मेथड है ओरल तो उसमें आप जैसे टू और फोर का आपको एलसीएम निकालना है। तो आप ये देखें टू के टेबल में फोर आता है लिहाजा फोर एलसीएम हो गया। 3927 इसमें देखें अगर आप 3 के टेबल को पढ़ें 3927 9327 यानी 3 और 9 दोनों के टेबल में 27 आता है लिहाजा 27 एलसीएम है। एलसीएम किसका निकाला जाता है? अब सवाल ये है एलसीएम उन रकमों का निकाला जाता है नंबर एक वो डिनोमिनेटर हो, उसका फ्रैक्शन हो, नंबर दो प्लस माइनस उसके अंदर पाया जाता हो, नंबर एक फ्रैक्शन हो, नंबर दो प्लस माइनस का साइन हो। डिनोमिनेटर से एलसीएम निकाला जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1/2 हाफ और प्लस 1, इनको 1 जो है वो पूरा एक है, 1/2 को हम हाफ कहते हैं, इनको जमा करेंगे तो एक और हाफ बराबर होता है डेढ़ के, डेढ़ को हम 3/2 लिखा जाता है। तो फिक्स लाइन में रख लें। अच्छा फर्स्ट ईयर में एक प्रॉब्लम ये होती है क्या, एक्स प्लस एक्स अपॉन टू, एक्स यहाँ पे फुल ले लें तो एक्स अपॉन टू उसका आधा हो जाएगा, तो एक और आधा जब मिलेगा हम ऊपर पढ़ चुके हैं 3/2 होता है, यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है लिहाजा ये 3/2 एक्स साथ लिखा जाएगा। अच्छा इसी तरह और भी आपके पास है ये सवालात हैं, इसको आप अगर ख़ुद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब इधर आ जाएं आप, ये दो एलसीएम में याद रखें प्राइम नंबर यूज़ किए जाते हैं। ये देखें दो तरीक़ों से मैंने एलसीएम निकाला हुआ है 4, 18 और 16 का। पहले अगर आप देखें कि 4, 8 और 16 का एलसीएम निकाल रहे हैं, 2 के टेबल में 2 2 था 4, 2 4 था 8, 2 8 था 16 है। अब 2 के टेबल से किया हुआ है 2 1 था 2, 2 2 था 4, 2 4 था 8। फिर आप उसके नीचे आए तो 1 वैसे ही उतर गया, 2 बचा हुआ है, 2 1 था 2, 2 2 था 4। अब फिर 2 से किया 1 1 1 आ गया तीन। अब आप यहाँ पे देखें सबको मल्टीप्लाई किया, ये 4 नंबर दफ़ा 2 लिखा था, 4 दफ़ा मल्टीप्लाई किया 2 2 था 4। चार 4 2 था 8, 8 2 था 16। तो ये देखें ये 16 आया हुआ है। ये अगर आप इसको गौर से देखें तो ये सारे प्राइम नंबर हैं, 2 2 2 प्राइम नंबर। इधर आ जाए 4 8 16 में, अब आप देखें 8 से किया हुआ है, 8 1 था 8, 8 2 था 16। अब आगे उसके नीचे 4 है, 2 1 2 लिखा, 2 से किया 2 2 था 4, 1 वैसे ही उतर गया, 2 1 था 2, 2 1 था 2, फिर 1 वैसे ही रहा, फिर आगे 2 को 1 से किया, अभी 8 2 था 16, 6 2 था 32। जबकि हमें अगर आप गौर से देखें कि हमें ये डायरेक्ट मेथड के ज़रिए पता है 4 के टेबल में 16 आता है और 8 के टेबल में भी 16 आता है, लिहाजा 16 ही एलसीएम है। तो लिहाजा आपको ख़ुद पता लग जाएगा कि प्राइम नंबर लाना कितना ज़रूरी है। इसके अलावा एक सवाल और है 3, 5, 7, 6, इनको देखें आप, पहले 3 को किया हुआ है 3 1 था 3, 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 7 नहीं आता, इनको वैसे ही उतार दिया। याद रखें जो नहीं आते वो वैसे ही उतरते हैं। अब 6 आता है 3 2 था 6, इस तरह 2 को किया है 2 1 था 2, ये 1 जो लिखा था वैसे ही रह गया 5 7। अगली बारी में अगर आप देखें तो 5 से किया हुआ है, 5 1 था 5, 7 वैसे ही उतर गया, बाकी अब अगली जब आपने 7 से किया आप इन सबको मल्टीप्लाई किया 2 5 था 10, इधर 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 7 3 था 21, तो इन सबको मल्टीप्लाई अब 21 को 10 से मल्टीप्लाई 210। आप इसको इधर से मल्टीप्लाई कर लें सीधी तरफ से या उल्टी तरफ से, इनका जवाब एक ही आएगा अगर आप सही तरह से मल्टीप्लाई करें। इनमें एक चीज़ और देखें, यहाँ पे 2, 3, 5, 7 प्राइम नंबर हैं, तो याद रखिए कि प्राइम नंबर होंगे तो आपका एलसीएम का जवाब 100% सही होने का अमकान है। ओके नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कल आप मुलाकात होगी, इंशाल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।